गुमला जिले के घांगरा प्रखंड कार्यालय के सभागार में 20 सूत्री की बैठक जय समीर कुजूर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से उपस्थित पदाधिकारियों से विभागर कार्यों की समीक्षा अध्यक्ष श्री समीर कुजूर द्वारा की गई। बैठक में अनुपस्थित रहे बैंक ऑफ इंडिया, वन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं विद्युत विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की गई। बैठक में बैंक समस्याओं को लेकर चर्चा करते हुए 20 सूत्री अध्यक्ष जय समीर कुजूर ने बताया कि बैंक के रवैये से ग्रामीण के साथ साथ पदाधिकारी भी परेशान हैं, जिसको लेकर बैंक से प्रतिवेदन स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सदस्य अरुण कुमार पांडे ने राशन उठाव में सरकारी अधिकारी शंकर खेरवार की जगह निजी व्यक्ति संतोष गुप्ता द्वारा जिम्मेवारी संभालने की बात कही है, जिसमें BDO श्री कश्यप ने 2 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही की बात कही। बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना, चिकित्सा विभाग, मनरेगा सहित अन्य विभागों से संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। आज की इस बैठक में सभी विभागों के माध्यम से अधिकतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और आज इस बैठक में घाघरा प्रखंड से आपके बैंक ऑफ इंडिया, घाघरा रेंजर, विद्युत विभाग, ये तीनों विभाग से आज उपस्थित नहीं रहे, इस पर प्रतिवेदन मांगा जा रहा है। साथ ही बैंक के हालिया जो हालात हैं उनसे सभी घाघरा प्रखंड वासी या यूं कहा जाए सभी साथी, सभी पदाधिकारी परेशान हैं। जो उनका जो रवैया है ये संतोषजनक नहीं है, इससे हम लोग काफ़ी परेशानी यहाँ की जनता महसूस कर रही है। इस कारण हम लोग जांच की मांग की हुए हैं, स्पष्टीकरण उनके द्वारा मांगा गया है। अगर इस पर संतुष्ट नहीं होने पर अग्रतर कार्रवाई प्रेषित की जाए। घाघरा प्रखंड में आज विसूत्री कार्यान्वयन समिति का बैठक किया गया, जिसमें विसूत्री के अध्यक्ष श्री जय समीर कुजूर, उपाध्यक्ष हरिव राव, प्रमुख मैडम और CO साहब और सभी गणमान्य हमारे उसके प्रतिनिधि और पदाधिकारी अनुपस्थित हुए। विभाग वाइज समीक्षा की गई, जो लोग अनुपस्थित रहे उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। जो भी समस्या आया गया है वो सब समस्या से रिलेटेड संधारण किया गया है और विभाग को सूचित किया जाएगा कि समस्या का निराकरण करें। सर, किस किस विभाग से उपस्थित नहीं हो पाए थे? वन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग और बैंक कर्मी नहीं आए थे विशेष तौर से, वही 2-3 विभाग जो है स्पष्टीकरण की मांग की गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।